जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल अंजलि वर्मा बनारसी में। और आज का मैं ब्लॉग लेकर आई हूँ धनतेरस पे, कि धनतेरस कब है, किस दिन है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, और पूजा में हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, तो सिर्फ उससे रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धनतेरस को लेके बहुत सा कन्फ्यूज़न रहता है। मेरे ख्याल से तो हिंदू का हर त्यौहार को लेके कन्फ्यूज़न रहता है कि हर त्यौहार दो दिन को पड़ता है, लोगों को समझ में ही नहीं आता है किस दिन मनाया जाए। तो इस बार धनतेरस हमारा भी दो दिन पड़ रहा है, जो मैं आप लोग को आगे बताऊँगी कि कब है और धनतेरस में हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, खरीदने सामान खरीदने का शुभ टाइम क्या है, पूजा करने का शुभ टाइम क्या है, मुहूर्त क्या है, तो ये सब हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरी जो भगवान है वो अमृत कलश लेके उत्पन्न हुए थे। धनतेरस के दिन हमें सोना चांदी बर्तन ये सब जरूर खरीदना चाहिए। इनके साथ कुछ सामान और है जो हमें खरीदना चाहिए, जो कि काफ़ी शुभ होता है, जो धनतेरस के दिन खरीदने से आपके धन में, दौलत में, आपके घर की सुख समृद्धि में 13 गुना की वृद्धि होती है। आप लोग को शायद इसकी जानकारी नहीं होगा क्योंकि बहुत लोग होते हैं सिर्फ जाते हैं बर्तन खरीद ले, कोई होता है सोना खरीद लेता है, लेकिन क्या क्या चीज़ बहुत ज़्यादा मस्ट है खरीदना। धनतेरस का मतलब होता है धन का 13 गुना बढ़ाना। तो इस दिन हमें जो कुछ चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़रूरी होता है खरीदना, जैसे कि आप हल्दी की गांठें खरीद सकते हैं, आप धनिया खरीद सकते हैं, आप झाड़ू खरीद सकते हैं, आप सोना खरीद सकते हैं, आप बर्तन खरीद सकते हैं। आप चांदी का बर्तन खरीदिए, स्टील का खरीद दीजिए, पीतल का खरीद दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है, अपने अनुसार स्थिति अनुसार आप खरीद सकते हैं। धनतेरस को आप कपड़े भी खरीद सकते हैं, न्यू मतलब कोई भी न्यू चीज़ खरीदना है, आप घर खरीद सकते हो, आप बाइक खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, जो भी चाहते हो। लोग धनतेरस का वेट करते कि अभी हमें कोई चीज़, अब महंगी चीज़ अगर हम ले रहे हैं, नई चीज़ ले रहे हैं, तो हम वो लोग वेट करते कि धनतेरस को ही ले, क्योंकि बहुत शुभ होता है धनतेरस को ये सब खरीदना, जो कि हमारे धन में 13 गुना का साल भर वृद्धि कराती है। सामान खरीदने का भी एक शुभ मुहूर्त होता है, हर समय नहीं खरीदा जाता है। जब भी आप धनतेरस को सामान खरीदने जाएं तो सुबह या शाम को खरीदें, दोपहर में एकदम ना खरीदें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो इस बार जो हमारा धनतेरस से स्टार्ट हो रहा है 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे शुभ मुहूर्त इसका स्टार्ट हो रहा है और इसका समापन तिथि है 1:15 बजे 30 तारीख को है। इसलिए हम जो है धनतेरस 29 तारीख को ही मनाएंगे। और इसका जो शुभ टाइम है, शुभ टाइम जो ये है कि शाम को 6 बजे से रात के 8 बजे तक इसका मुहूर्त का टाइम है पूजा करने का। और कई जगह 6:30 बजे भी दिखा रहा है, आप देख लीजिएगा अपना, 6 से 8 के बीच में आपको पूजा धनतेरस का करना है। और धनतेरस का पूजा फ्रेंड्स जरूर करिएगा, बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। धनतेरस वाले दिन जरूर पूजा करना चाहिए। बहुत जगह तो धनतेरस को पूजा नहीं होता है, मेरे घर खुद नहीं होता है, मेरे यहाँ दिवाली को लोग करते हैं, लक्ष्मी गणेश का पूजा करते हैं, जो कि धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी का ना करके धन्वंतरी देवी का, कुबेर का पूजा किया जाता है। उसके बाद आप गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। गणेश जी की तो नहीं होती, उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लेकिन सबसे पहले हमें धन्वंतरी देवी का और कुबेर जी का पूजा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, जितने नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप शेयर भी कर सकते हैं, जिन्हें नहीं पता है उनको भी मिल जाएगी वीडियो, उनको भी हेल्प हो जाएगा।